हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होममेड फेशियल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक होममेड फेशियल करना बताएंगे कि आपने उस फेशियल को किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है, और इसी के साथ हम आपको कुछ स्टेप्स भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो होममेड फेशियल है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये जो आपके चेहरे पर जो छाइयाँ, डार्क सर्कल, जो स्कार्स होते हैं, ये आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं, उसके लिए ये फेशियल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी स्किन जो है वो उम्र से पहले लटक रही है, अगर झुर्रियाँ आ रही हैं, ये जो फेशियल है इसके साथ जो आपकी स्किन की जो टाइटनिंग है वो बनी रहेगी, आपकी स्किन जो है वो टाइट रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि होममेड फेशियल के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल होंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो मैं आपको होममेड फेशियल बता रही हूँ उसके लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें तैयार करनी होगी। सबसे पहले है क्लिनज़र, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉ मिल्क लिया है, यानी कि कच्चा दूध, और उसमें मैंने कॉटन डाल रखी है फेस को क्लीन करने के लिए। और इसके बाद हम लेते हैं थोड़ा सा राइस फ्लोर। अगर आपके घर पे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा नहीं है, तो आप जो कच्चे चावल होते हैं उनको अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिया थोड़ा सा ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन भी आपके घर पे ज़रूर होगा, अवेलेबल होगा, तो बेसन आप लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो सिर्फ इन चार इंग्रेडिएंट से ही आपका जो घर पे जो होममेड फेशियल है वो बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल्क लिया हुआ है, ये थोड़ा सा रॉ मिल्क मैंने अलग से रख लिया है, ये आपको फेस पैक बनाने के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि आपने किस तरह से अपने फेस पे ये जो क्लिनजिंग है, जो क्लिनज़र है, और ये स्क्रब जो हम बनाएंगे, और ये जो फेस पैक है वो किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है अपने फेस पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने बालों को इकट्ठा कर लेना है, एक जूड़ा बना लेना है। अगर आपके पास कोई फेशियल करने से पहले जो यहाँ पे पट्टी बांधी जाती है अगर वो है तो आप बांध सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो हमेशा फेशियल करने से पहले ये जो क्लिप है इसको लगा लेती हूँ। अगर कोई पुराना हेयर बैंड है, हेयर क्लिप है, तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं ताकि जो आपके बाल हैं वो आगे ना आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फेस को रॉ मिल्क के साथ एकदम से क्लीन करना है। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध होता है, अगर आप नॉर्मल भी कभी कि अगर रोज आप किसी अच्छे कॉटन के साथ अगर आप रॉ मिल्क में अगर इसको भिगो के अच्छे से अपने अगर फेस को क्लीन करते हैं, तो आपको ये जो कॉटन है इसमें इतनी सारी डस्ट दिखाई देगी कि अगर आप रोज़ाना अगर अपने फेस को क्लीन करेंगे तो जो रोज़ रोज़ हमेशा जो आपके फेस पे जो डस्ट होती है वो आसानी से निकल जाती है। तो अगर आप डेली रूटीन में अपने फेस केयर अगर आप चाहते हैं, आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना इस कच्चे दूध के साथ अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये जो कच्चा दूध होता है ये आपके फेस की जितनी भी डस्ट है अंदर की वो सभी अच्छे अच्छी तरीके से
निकाल देता है अपने आँखों के ऊपर से, नीचे से, अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है। ये देखिए कितनी सारी डस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अब करते हैं अपना दूसरा स्टेप। उसमें हम आपको स्क्रब किस तरह से तैयार करने बताएंगे, किस तरह से तैयार करना है। उसके लिए आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा राइस फ्लोर डालना है, जितनी आपको ज़रूरत हो। वैसे तो मैं एक चम्मच ही डालती हूँ, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें रॉ मिल्क डालना है। फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस तरह से ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जल है वो जो मेरी स्किन को सूट नहीं करता है, तो इसीलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ अगर आपके फेस पे आपको सूट नहीं करती है तो आप उस चीज़ को ना करें, ना लगाएं, और उसको आप स्किप कर सकते हैं। गुलाब जल की जगह आप इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसका स्क्रब करना। आपने सबसे पहले इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। हाँ,
तो ये हमारा स्क्रब हो चुका है। कम से कम आपने 2 से 3 मिनट आपने अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद हम टॉवल के साथ इसको साफ कर दें। इसको अच्छे से आपने साफ कर लेना अपने फेस को। दोस्तों अब हम बनाते हैं फेस पैक। तो स्क्रब करने के बाद आपने अपने फेस पे एक फेस पैक अप्लाई करना है। उसके लिए आपने क्या लेना है, उसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आपने बेसन लेना है और आपने थोड़ी सी इसमें हल्दी डालनी है। मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड करना है। अगर आप चाहें तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज मैं अपने स्किन पे रॉ मिल्क ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो कि जो आपकी फेस की जो टैनिंग है इसको दूर करने के लिए रॉ मिल्क सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड किया है। आपने इस 1 स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग पैक तैयार करना है जितना आप लगाना चाहते हैं। अगर इस फेस पैक को आप अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बैक नेक पे। ये हमारा फेस पैक बनके तैयार हो गया। अब हम एक ब्रश की मदद से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथों से भी अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने कानों पर अप्लाई करना ना भूलें। दोस्तों एक बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने फेस पे अगर फेशियल कर रहे हैं या फिर ब्लीच कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का क्लींजिंग कर रहे हैं, अगर फेस मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कानों पर, ईयर्स पर अपने ज़रूर अप्लाई करना है, वरना जो आपकी फेस की जो स्किन है और कानों की जो स्किन है वो अलग से दिखेगी। तो आपने इन दोनों चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना है अच्छे से।
तो दोस्तों ये था मेरा फेस पैक, मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। और आपने इसको 15 से 20 मिनट बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो इसको आपने किस तरह से उतारना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने इसको 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने देना है। देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपने फेस पैक को उतारना है। आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसको धीरे धीरे रब करना है। धीरे धीरे आपने इसको रब करते हुए अपने पूरे फेस पे अपने हाथों को सर्कुलर मोशन पे घुमाना है। और ये जब अच्छे से गीला हो जाए आपका फेस तो आपने देखिए दोस्तों फेस पैक को उतारते उतारते देखिए आपके फेस पे कितना ग्लो आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो मेरी स्किन थी पहले से देखिए कितनी ग्लो करने लग गई है। ये देखिए अगर आप ये फेशियल हफ्ते में अगर एक बार करते हैं या फिर 7 से 8 दिनों बाद अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो हमेशा के लिए बहुत ही क्लीन और ग्लोइंग बन जाएगी। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे दिन बर दिन आपकी स्किन पर जो है ग्लो चलता चला जाएगा। तो आप ये फेशियल अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये फेशियल का जो होममेड फेशियल है आपको कैसा लगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज के वीडियो का होममेड फेशियल, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस फेशियल को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये फेशियल आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसके किसी भी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, चाहे आप आज ही एक बार ट्राई करके देखिए, आपको इसका 101% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसको लगाने से किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि जब भी मुझे फेशियल करवाने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो मैं अपने घर पे ही ये होममेड फेशियल ट्राई करती हूँ। तो देखिए इसको लगाने से जो मेरी स्किन है इस पर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई पिंपल्स मुहासे नहीं है, एकदम से क्लियर है मेरी स्किन। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये होममेड फेशियल किस तरह से लगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।